सब्सक्राइब कीजिए मृणाल्स किचन एट चैनल को और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि लेटेस्ट रेसिपी की वीडियो अपडेट आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। मैंने यहाँ कढ़ाई में 2 से 3 चम्मच तेल गरम कर लिया है। तेल जैसे ही गरम हो रहा है मैंने इसमें 1/4 चम्मच राई के दाने डाल दिए हैं और लगभग उतने ही मैं जीरा भी मिला रही हूँ। इनको हम अभी फूटने देते हैं। जैसे ये फूटेंगे हम इनमें 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, लगभग उतना ही लाल मिर्ची पाउडर और अभी मैंने 1/2 चम्मच यहाँ धनिया पाउडर मिला लिया है और 1/2 बोल में यहाँ फ्रोजन मटर भी मिला रही हूँ। इनको अभी हम 1 मिनट तक के लिए भून लेंगे। 1/4 चम्मच काली मिर्च का पाउडर भी हमें इसमें मिला लेना है और 1/4 चम्मच से थोड़ा ज़्यादा मैंने यहाँ गरम मसाला पाउडर भी मिला लिया है। इन्हें भी फिर से हम एक बार भून लेंगे और अब चार उबाल कर मैश किए हुए आलू भी मैं इसमें मिला लूँगी। इन सबको अभी हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। और अभी हम मिलाएंगे स्वाद अनुसार नमक जो कि मैंने करीबन 1/2 टीस्पून लिया है। इन सबको अभी हम एक बार फिर से अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि नमक मसाले और आलू सब एक साथ अच्छे से मिल जाए। अब इसी समय मैं गैस का फ्लेम बंद कर दूंगी। यहाँ हमारी टिक्की बनाने के लिए आलू की सब्जी तैयार हो गई है। अभी हम टिक्की बनाएंगे जिसके लिए मैंने आलू की सब्जी ठंडी करके ले ली है, मैदे की थिक स्लरी भी बना ली है और मैंने यहाँ ब्रेड क्रम का भी इस्तेमाल करने वाली हूँ। टिक्की का साइज आप अपने बर्गर की साइज के हिसाब से छोटा बड़ा भी आप कर सकते हैं। आलू की सब्जी को हमने टिक्की का शेप दे दिया है। इस टिक्की को सबसे पहले हम मैदे की स्लरी में डिप करेंगे, उसके बाद हमने जो ब्रेड क्रम लिए हैं उसे हम इसे अच्छे से कोट कर लेंगे। ब्रेड क्रम आप बहुत अच्छे से कोट करिएगा ताकि तलते समय टिक्की एकदम क्रिस्पी बने। यहाँ मैंने तलने के लिए तेल गर्म कर लिया है। टिक्की मेरी साइज में थोड़ी बड़ी है इसलिए मैंने इस आलू टिक्की को स्पून पे लेके ही तेल में छोड़ा है। आप इसे गोल्डन ब्राउन होने तक तलिएगा। जब हम इस टिक्की को तेल में तलने के लिए डालेंगे हम इसे तुरंत टर्न नहीं करेंगे, नहीं तो ये टिक्की हमारी टूट सकती है। जब ये थोड़ा सा सेट हो जाएगी उसी समय हम इसे टर्न करेंगे। इस टिक्की को तलते हुए मैंने गैस का फ्लेम लो ही रखा है। यहाँ हमारी टिक्की अच्छी गोल्डन ब्राउन कलर की हो गई है। अब हम इसे निकाल लेते हैं। इस मैक आलू टिक्की बर्गर में हमें जो टैंगी मेयोनीज बनाना है वो तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए मैंने 4 चम्मच प्लेन मेयोनीज दिया है और उसमें मैं 1 चम्मच टोमेटो केचप भी मिक्स कर रही हूँ। इन सबको अब हम एक साथ मिक्स कर लेते हैं। रेस्टोरेंट वाले या फिर ठेले वाले इसमें थोड़ा सा कलर भी मिलाते हैं, अगर आप कलर खाते हैं तो वो मिला सकते हैं। मैं कलर डालना प्रेफर नहीं करती हूँ इसलिए मैंने इसमें कलर नहीं मिलाया है। अभी हम बर्गर सर्व करने की तैयारी करते हैं, जिसके लिए मैंने बर्गर बन को 1/2 काट लिया है। इस बन में मैंने मायनेस को स्प्रेड कर लिया है। अभी मैं यहाँ टमाटो के 3 स्लाइस लगा दूंगी। टमाटो आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। इसके ऊपर हम आलू की टिक्की रख देंगे। अब मैं यहाँ अनियन के कुछ 3 स्लाइसेस लगा रही हूँ। ऊपर वाले बन को भी अभी हम मेयोनीज लगा लेंगे। अगर आपको ज़्यादा मेयोनीज पसंद नहीं है तो ये प्रोसेस आप स्किप कर लीजिए। मैंने 1/2 चम्मच के करीब मेयोनीज टिक्की के ऊपर भी लगा लिया है। अभी सबसे आखिर में ऊपर वाला बन हम टिक्की के ऊपर रख लेंगे। यहाँ हमारा मैक आलू टिक्की बर्गर घर में ही तैयार हो गया है।